दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में कुछ टिप्स। ये मैं वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो छोटे शहरों में रहकर आईटीआई या डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, रेडियो टीवी, इलेक्ट्रिकल की किसी भी ब्रांच से, चाहे डिप्लोमा हो चाहे आईटीआई हो। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको गांव में या छोटे शहरों में वो सुविधाएं नहीं मिलती कि कहाँ कोचिंग, और वो इंडस्ट्रीज के ऑटोमेशन से रिलेटेड, जैसे पीएलसी है आपका, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, फोटो सेंसर्स हैं, रिले हैं, और ये सब चीज़ों के बारे में उन्हें उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती जितनी इंडस्ट्री के लिए होनी चाहिए। तो मैं इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाले अपने वीडियोज में बताने वाला हूँ कि पीएलसी कैसे काम करता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसे चेक करेंगे, एनपीएफ एनओ क्या है, पीएनपी एनओ क्या है, पीएनपी एनसी क्या है, एनपीएफ एनसी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे काम करते हैं, रिलेज का क्या यूज है, कितनी टाइप की आती हैं, 8 पिन 11 पिन 14 पिन एटसेट्रा। इसके अलावा मैं आप लोगों को न्यूमेटिक्स की भी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, 5x2 5x3 SOB कैसे काम करता है, डबल कॉइल सिंगल कॉइल, डबल एक्टिंग सिंगल एक्टिंग में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा RTD मीन्स रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर एंड थर्मोकपल, और भी बहुत तरह के फ्लो एंड प्रेशर सेंसर, प्रेशर स्विचेस, डिफरेंशियल प्रेशर स्विचेस, इन सब के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, मेरे चैनल पर बने रहें और सारी वीडियोज को एंड तक देखें जो आपसे रिलेटेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्चुअली क्या है, जब हम इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाते हैं तो जो लोग बिल्कुल फ्रेशर निकलते हैं उन्हें थ्योरी का नॉलेज बहुत अच्छा होता है, अगर वो अच्छे से पढ़े उन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं जिस फील्ड से भी वो हैं, लेकिन इंडस्ट्री में काम करने का तौर तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। कॉलेज लाइफ में और इंडस्ट्रियल लाइफ में मस्ट डिफरेंस है। हमें लगता है कि जो हम पढ़ के जा रहे हैं हम बहुत जानते हैं, हम सब कुछ ठीक से कर लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की ऐसी चीज़ें मिलेंगी, मशीन्स के पैनल मिलेंगे जो बुक में नहीं पढ़ने को मिलते, पैनल के अंदर चीज़ें किस टाइप से फिक्स होती हैं वो किसी बुक में पढ़ने को नहीं मिलती। वहाँ आपको ड्राइव्स मिलेंगे, ड्राइव बोलें तो AC ड्राइव को इन्वर्टर भी कहते हैं, जो मोटर की स्पीड को ज़्यादा करने में काम आता है, और बहुत सारे नेटवर्क, ट्रॉफी नेट, ट्रॉफी बस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हर लेवल के आदमी को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आदमी आप सक्सेस तभी हैं जब आप शार्प स्मार्टनेस से प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ब्रेकडाउन को अटेंड कर सकें, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको इन छोटी छोटी चीज़ों की स्टार्टिंग से नॉलेज होगा, नहीं तो ये चीज़ें सीखने में कब प्रॉब्लम आएगा, कब सीनियर बताएगा, उसमें बहुत टाइम चला जाता है और हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं आपको ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी लेकिन काम की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आने वाले सभी वीडियोज में। तो आप मेरे साथ बने रहें और देखें कि मैं क्या क्या आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देता हूँ। इसके अलावा मैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं, आपने देखा है इतनी इतनी मोटी ड्राइंग्स होती हैं, 1000 पेजेस, तो 1000 पेज में सही जगह पे 2 सेकंड में कैसे पहुंचा जाए, हम कैसे खोजेंगे कि हमें ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आने वाले अपने वीडियोज में आपको देने वाला हूँ। तो कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहें। मैं आपका दोस्त विशाल दीक्षित, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, विशाल जी की खोज, इसमें मैं खोज का मतलब है किसी भी तरह की खोज, मैं बहुत सारी खोज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और बहुत सारी चीज़ें आपको देने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें। धन्यवाद।